हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो क्रिएटिव थिंकिंग का टॉपिक जो है वो आज डिस्कस करेंगे। अगर क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी ये सब आपके किसी भी एग्जाम के सिलेबस में है, क्योंकि ये नेट वगैरह के लिए भी थिंकिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीएड एमएड में भी आता है, टीचिंग एग्जाम्स में भी आता है। सो जहां पर भी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग इस तरीके का टॉपिक मिलता है तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। क्रिएटिविटी टॉपिक और दूसरा इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों टॉपिक दो लेक्चर में ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर आप क्रिएटिविटी बाय इनकलकेट लर्निंग डालेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। सो उनको एक बार देख लीजिएगा, कुछ चीजें वहां भी बता रखी हैं, बट यहाँ स्पेसिफिकली क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच के बारे में बात करेंगे। होती क्या है, अलग अलग स्टेजेस क्या है कि किस तरीके से सोचा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि अगर कोई क्रिएटिव थिंकर है, मान लो किसी इंसान को देख के आपको बताना है कि ये क्रिएटिव है या नहीं है, तो किन चीजों को ऑब्जर्व करके देख कि आप बोल सकते हैं कि हाँ इनमें से ये क्रिएटिव थिंकर है थोड़ा सा। ओके, बैरियर्स क्या रहेंगे अगर क्रिएटिव थिंकिंग की बात आती है, और किन किन तरीकों से हम क्रिएटिव थिंकिंग को फोस्टर कर सकते हैं, यानी कि उसको बना सकते हैं। अगर किसी कोई क्रिएटिव नहीं है तो कैसे क्रिएटिव बना जाए। ओके, सो वो सारी चीजें यहां डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे या इनकलकेट लर्निंग से किसी भी तरीके की हेल्प आपकी हो पा रही हो, ऑब्वियसली फ्री में, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, सो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग तो एक एबिलिटी होती है जी, किसी भी इंसान में अगर ये एबिलिटी है कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में या कोई नया आइडिया, यूनिक आइडिया, या वो होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स बोल देते हैं कई बार, योर ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करे। सो ओरिजिनैलिटी होनी चाहिए उसमें, यूनिक हो, नोवल हो, एक तरीके से नया आइडिया हो, ठीक है। सो वो सारी चीजें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, क्रिएटिव थिंकिंग की। सो क्रिएटिव थिंकिंग एक तरीके से एक एबिलिटी हो गई जहां पर हम नए यूनिक ओरिजिनल सॉल्यूशंस के साथ आते हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग को अगर हम देखें सो ये जो है वैल्यूएबल और मार्केटेबल सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल्स पता ही होंगी आपको, नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगी। और सॉफ्ट स्किल अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये आपका आज के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। So, ये एक तरीके से सॉफ्ट स्किल है और बहुत वैरायटी ऑफ करियर्स में ये यूज की जाती है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि लिखते टाइम या जो राइटर्स होते हैं, पोएट होते हैं, वो कुछ ना कुछ नए तरीके से सोचते हैं किसी भी आइडिया को, फिर हमें लगता है कि यार ये बात तो सही है, ये तो हम भी सोच सकते थे, राइट, बट वो उन्होंने सोची सबसे पहले। सो वो क्या रहेगी, क्रिएटिव थिंकिंग रहेगी। अगर स्टेजेस की बात करें सो ग्राम ने 5 स्टेजेस की बात की, और इनफैक्ट ग्राम ने बोला कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, वी अग्री, बट अगर ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना सो जो क्रिएटिव लोग हैं उनका एक थॉट प्रोसेस में आपको पैटर्न नजर आएगा। सो उसी पैटर्न के बेसिस पे इन्होंने स्टेजेस बता दी कि क्रिएटिव थिंकिंग की ये 5 स्टेजेस रहेंगी जो आपको याद रखनी है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवेल्युएशन एंड रिविजन। ओके, अब आप मतलब फर्ज कीजिए कि आप कुछ सोच रहे हैं, और अगर आपने सोचना शुरू किया कोई ऐसे बेसिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या चीजें हैं सारी चीजें पढ़ ली, डाटा कलेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन देख ली, तो उसके बाद बेसिकली वो जो स्टेप रहेगा वो किसमें आ गया, प्रिपरेशन में, ठीक है। अब एकदम से आपने सोच, आपको आइडिया ही नहीं आ रहा है कोई नया सा, अब जो आइडिया नहीं आ रहा है तो आपने सोचा चलो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, सो आपने उसके बारे में एक्टिवली सोचना बंद कर दिया एक तरीके से, और फिर सडनली एकदम से किसी दिन आता है कि अरे ये था वो, ये चीज थी, ये ऐसे हो सकता है, राइट। सो या इस तरीके से कोई चीज बन सकती है, जैसे आप अगर ब्लॉग चैनल देखते होंगे हमारा, तो उसके अंदर भी ऐसे कई बार ऐसे ही मन बन जाता है, या सडनली ऐसे इल्यूमिनेशन होता है, कुछ इनसाइट आ जाती है, तो ऐसे ही शॉर्ट्स बनाने का मन करता है। ओके, सो एकदम से वो आइडिया आता है, तो वो जो एकदम से आइडिया आया वो क्या है जी, इल्यूमिनेशन। जो हमने प्रिपरेशन की थी जब तक हम एक्टिवली इन्वॉल्व थे वो प्रिपरेशन में आ गया, जब हमने वो प्रिपरेशन जो है उसको स्टॉप कर दिया, यानी उसको उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना बंद कर दिया, उसके वहां से लेके जब हमें सडनली ये आइडिया आया, जो इनसाइट हमें मिली, इल्यूमिनेशन हुआ, उसके बीच का जो पीरियड होगा वो इंक्यूबेशन स्टेज रहेगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको आइडिया तो आ गया है ना सडनली कि ये ऐसे हो सकता है, बट आप उसको इवेल्युएट भी करेंगे कि सही है या नहीं, एंड देन फाइनली रिविजन की स्टेज आ जाएगी। सो ये 5 स्टेजेस हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रिपरेशन में कोई भी इंसान जब
डेवलप करता है क्रिएटिव सॉल्यूशन। सो ये इंपॉर्टेंट है किसी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, तो जनरली वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने में, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने में, बहुत सारी रेलेवेंट चीजें या डाटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगाता है, ठीक है। सो वो सोचता रहता है उस बारे में, चीजें करता रहता है, तो वो प्रिपरेशन का पीरियड हो गया। इंक्यूबेशन रहेगा क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो है, जब आप उसमें बहुत एंगेज्ड होते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। तो सॉल्यूशंस कब आ रहे हैं? इंक्यूबेशन के पीरियड के बाद। इंक्यूबेशन का क्या मतलब रहेगा? वो इंटरवल जिस दौरान आपने एक्टिवली उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दिया था, आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना बंद हो गए थे, ठीक है। फिर सडनली आपको जो है ऑल ऑफ अ सडन एक इल्यूमिनेशन हुआ, इनसाइट हुआ कि अच्छा ठीक है ये हो सकता है। सो वो क्या रहेगा? एकदम से जो आपको आइडिया आया है, चाहे वो कोई हो कि मतलब महीनों बाद या एक साल बाद सडनली कुछ ध्यान आया, वो क्या होएगा? आपका इल्यूमिनेशन होगा। देन रहेगा इवेल्युएशन की जो आइडिया आपको आया है कि उसको कैसे रिफाइन किया जा सकता है, कैसे उस पर और काम किया जा सकता है, ठीक है, आप उसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हम इवेल्युएशन में डालेंगे। एंड देन रिविजन की फ्रिक्वेंटली जो इनसाइट आपको आई थी टर्न्स आउट टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री, और थिंकर वापस से एक क्रिएटिव प्रोसेस में आ जाता है कि अब क्या किया जाए, ठीक है। सो कुछ एक केसेस में अगर इनसाइट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि आप उस आइडिया से सेटिस्फाइड हैं, बट नीड सम मॉडिफिकेशन, तो वो भी हो सकता है कि आप उसको मॉडिफाई कर दें, रिवाइज कर दें। अदरवाइज आप अगर उस आइडिया से सेटिस्फाइड नहीं हुए कि आइडिया तो आपको आ गया, आपने उसको इवेल्युएट करने का भी ट्राई किया, बट आपको लगा कि आप सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं कर रहे कि भाई कुछ और अच्छा हो सकता है, तो आप उसको फर्दर वापस से क्रिएटिव प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। सो ये पांच स्टेप रहेंगे। अगर हम एक क्रिएटिव थिंकर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, सो इंडिविजुअल्स जो क्रिएटिवली सोचते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ पर्सनालिटी में कॉमन फीचर्स जरूर होते हैं, ओके। ये कहां से मिलता है हमें एविडेंस? जब हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह लेके देखते हैं, तो उससे हमें ये कुछ एक ट्रेट्स नजर आए कि ये क्रिएटिव लोगों के ट्रेट्स हैं। एक तो उनको सिंपल चीज नहीं पसंद आएगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक इम्बैलेंस रहेगा कहीं ना कहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइकोडायनेमिकली जो है वो सोचेंगे, चीजें करेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी आपको नजर आएगी। एक ग्रेटर पर्सनल स्कोप आपको उसमें नजर आएगा, ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे वो अपने जजमेंट्स में, किसी और से मतलब बहुत ज्यादा कुछ सलाह लेना या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना अपने डिसीजन के लिए, वो नहीं होगा यहाँ। ज्यादा सेल्फ असर्टिव और डोमिनेंट होंगे कहीं कुछ हद तक, क्योंकि वो ही खुद ही सोचे जा रहे हैं, तो वो खुद खुद के अंदर ही रह गए हैं एक तरीके से, तो वो आपको डोमिनेंट भी नजर आ सकते हैं। वो जब उनको सप्रेस किया जाएगा ना, ये उसको रिजेक्ट करते हैं कि कोई भी मैकेनिज्म जिससे आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो सप्रेशन जो है ये उसको रिजेक्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बेसिकली एक पर्सनालिटी का डायमेंशन जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन्स यानी उत्पत्ति बेसिकली, सो उसको क्रिएटिविटी से रिलेट करके देखा गया है कि जिन लोगों में ये उत्पत्ति या जो ओरिजिन्स है ये ज्यादा होता है, तो वो जो कन्वेंशनल अप्रोच है ना, जो दूसरे करते हैं या चला आ रहा है, इसने किया तो आप भी कर लीजिए, सो वो भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं करेंगे। जो भी पहले ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल अप्रोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज में, वो उसमें रेजिस्ट करेंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अल्टीमेटली वो कई बार ऐसे भी नजर आ सकता है कि वो रेबल है या मतलब नॉन कन्फॉर्मिंग है, सो वो चीजें भी नजर आ सकती है, वो उस तरीके के भी आपको नजर आ सकते हैं कि हाँ ये थोड़े से रिबेलियस हैं और बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब क्रिएटिव थिंकर्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो ऑब्वियसली वो क्यूरियस होंगे, वो जानना चाहेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, सीख दो प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम मिल जाए और उसका सोल्यूशन किया जाए। देन चैलेंज को इंजॉय करते हैं वो, तभी तो हमने बोला ना कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कहीं ना कहीं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, कर लेंगे वाला अप्रोच रहेगा कि ठीक है ना कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे, करेंगे, हो जाएगा, वो वाला अप्रोच। एबल टू सस्पेंड जजमेंट, कंफर्टेबल विद इमेजिनेशन, सीज प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग दिखाई देती है उनको प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स जो है वो इमोशनली एक्सेप्टेबल है उनके लिए। चैलेंज करते हैं वो, चैलेंजेस अजम्पशंस जो भी अज्यूम कर रहे हैं आप, तभी उनको हम रेबेलियस भी बोल रहे हैं कुछ हद तक, और वो इजीली गिव अप नहीं करते, परसिवरेंस रखते हैं और हार्डवर्क जो है वो करने से पीछे नहीं हटते। सो ये कुछ एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्रिएटिव थिंकर्स की नजर आ सकती हैं। लेकिन बहुत सारे बैरियर्स होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के रास्ते में, सो जैसे प्रेजुडिसेस हो गए, कुछ धारणाएं बन जाती हैं, कुछ फंक्शनल फिक्स्डनेस है कि बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलता आया है फैमिली में, तो आपको भी ऐसे ही करना है, भले ही उसके पीछे आपको कोई लॉजिक दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये बैरियर्स हैं, ठीक है। आप क्रिएटिवली या कुछ और करने की सोच ही नहीं रहे हैं। लर्नड हेल्पलेसनेस,
कि आपको वो हेल्पलेस होना सिखाया जा रहा है एक तरीके से, सीखा है आपने. ओके, टेंडेंसी टू फाइंड द राइट आंसर, जबकि कोई भी चीज एक तरीके से राइट या रॉन्ग नहीं होती. अगर चोरी करना, मेरे लिए मैं बोल रही हूं कि गलत होता है चोरी करना, तो जो चोर चोरी कर रहा है उसके लिए तो सही है ना एक तरीके से. तो किसी का गलत किसी का सही हो सकता है, या आपका गलत दूसरे का सही, दूसरे का सही आपका गलत, डेफिनेटली हो सकता है. सो राइट आंसर के फाइंड करने की टेंडेंसी जो होती है ना, कि बस यही दिशा सही है, वो चीज गलत है. ओके, लॉजिकल थिंकिंग या फॉलोइंग रूल्स, बीइंग प्रैक्टिकल, ऑल वर्क नो प्ले. सो आप सारी चीजें की लॉजिकली होती है, सारी की सारी चीजें उस तरफ जा रही हैं, रूल्स को फॉलो करना है, प्रैक्टिकल रहिए, ऐसे उठपटांग चीजें मत सोचिए. ठीक है, सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए, कोई खेलने वेलने की जरूरत नहीं. कई बार तो बचपन में, मुझे याद है कि मुझे बचपन में हमेशा बोला जाता पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ नहीं रहे हो, तो वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही आपको बोला जाता है स्पेसिफिकली. ठीक है, तो वो बैरियर्स आ जाते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में. ओके, नॉट रेडी टू ट्राई अ डिफरेंट जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप बेसिकली कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई और जॉब ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसी एक चीज में जो शायद आपको पसंद भी नहीं है आप उसमें फंस गए हैं. ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि बैरियर्स का काम करेंगी क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर. अब ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके भी होंगे अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, और वो चीज जो है टीचर्स और कोई भी सिग्निफिकेंट अदर्स में आपसे मोर नॉलेजेबल अदर भी आ सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं एक तरीके से जो शायद आपसे ज्यादा क्रिएटिव हो. ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं. ठीक है, गार्जियंस आ जाएंगे आपके. सो वो हेल्प कर सकते हैं बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को फोस्टर करने के लिए. ओके, बेसिकली आपको करना क्या है, बहुत मोस्ट कॉमन वेज की अगर हम बात करें, सो एक ब्रॉड और रिच नॉलेज बेस आपको डेवलप करना है, ताकि आपको बहुत सारी चीजें अगर पता होंगी तो आप इंफॉर्मेटिव तरीके से फर्दर डिसीजंस ले पाएंगे और चीजें सीख पाएंगे, आपको और स्कोप्स पता होंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंस को फोस्टर किया जाना चाहिए ताकि वो अपने दम पे कुछ चीजें करें, सीखें. सो ऑब्वियसली वो जब अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंस की वजह से क्रिएटिविटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके, एनकरेज द यूज ऑफ एनालॉजीज. तो एक सेम सिचुएशन उनको बताइए या एनालॉजीज का इस्तेमाल करके उनको एनकरेज कीजिए ताकि वो नया सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें. वो जो अगर क्यूरियस हैं, कोई चीज जानना चाहते हैं, तो उनको एनकरेज कीजिए. जैसे एक एड आती थी ना, शायद काजोल की एड आती थी, जिसमें वो बोलती थी कि वो बच्चा कुछ ना कुछ पूछता रहता था कि फरवरी में 29 डेज ही क्यों होते हैं, और वो ऐसे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके अंदर ही अंदर, और फिर बोलती थी कल बताऊं चलेगा, फिर वो सर्च करके और चीजें देख के बताती हैं. ठीक है, सो वो उनकी जो भी क्यूरियोसिटी है ना, अगर आप उनको आंसर करते रहेंगे तो वो एनकरेजमेंट हो गया एक तरीके से. ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्रिएटिव थिंकर बेटर बन पाएंगे और एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो हमें एनहेंस करना है. सो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को फोस्टर करने के, कि वो क्रिएटिवली सोच पाए, हम क्रिएटिविटी को या क्रिएटिव थिंकिंग को एनहेंस कर पाए बच्चों में. ओके, सो आई होप आपको क्रिएटिव थिंकिंग का ये टॉपिक समझ आया होगा. फिर भी कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स.